एचजे न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ का अपने बच्चों के साथ एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके सामने हर रिश्ते छोटे लगे। इसी रिश्ते के चलते कई ऐसे चमत्कार हो चुके हैं जिन पर मेडिकल साइंस न जाते हुए भी विश्वास करता है। ऐसा ही एक मामला अर्जेंटीना में देखने को मिला है। यहाँ एक महिला चोट लगने की वजह से कोमा में थी। इसी दौरान वह माँ भी बन गई। बच्चे के स्पर्श मात्र से माँ कोमा से बाहर आ गई, जबकि महिला के कोमा से बाहर के प्रति डॉक्टर भी विश्वास खो चुके थे। माँ बच्चे के बीच स्नेह की यह मिसाल देखकर डॉक्टर भी अचंभित हैं। एक अंग्रेजी न्यूज के मुताबिक बात पिछले साल नवंबर की है, जब अर्जेंटीना की महिला ऑफिसर अमेलिया बेनन साथियों के साथ गश्त पर थी। तभी वह एक हादसे का शिकार हो गई। वह जिस गाड़ी पर सवार होकर गश्त के लिए निकली थी वह बेकाबू हो गई। इसके बाद वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में सवार सभी लोग बुरी तरह चोटिल हो गए। अमेलिया मेनन सिर में चोट लगने के चलते कोमा में चली गई। डॉक्टरों ने चेकअप किया तो पता चला कि वे हादसे के समय 5 महीने के गर्भ से थीं। हादसे के 54 दिन बाद क्रिसमस के दिन बेनन ने बेटे सैनटीनो को जन्म दिया। यानी कोमा के दौरान ही बेनन माँ बन गई। सैनटीनो की मौसी नियमित रूप से उसे माँ से मिलवाने अस्पताल आती थी। सैनटीनो माँ के साथ खेलता था। उसके स्पर्श से माँ की हालत में सुधार आने लगा। अब वे कोमा से बाहर है।